नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल नॉलेज और ज्ञान में। आज का ये वीडियो है प्रिंटिंग के ऊपर कि जो है विजिटिंग कार्ड जो हम लोग बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं कोरल ड्रा में, उसको जो है कैसे प्रिंट उसका डिजिटल मशीन से निकलवाया जाए और डिजिटल मशीन पे 13-19 की शीट लगती है उसके ऊपर कैसे विजिटिंग कार्ड सेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लग जाएं और अच्छी प्रिंटिंग हो। तो ये पूरा समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये एक विजिटिंग कार्ड मैंने बनाया था, हमारा एक वीडियो विजिटिंग कार्ड के ऊपर भी है कि विजिटिंग कार्ड कैसे बनाया जाए। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको भी देखिएगा, हमारे आई बटन में जाके उसमें देखिएगा कि उसमें उसका वीडियो है और उसको देखिएगा। और एक ये भी विजिटिंग कार्ड हमने ही बनाया है तो इसमें आपको बताते हैं कि इसको जो है 13-19 शीट के ऊपर कैसे लगाना है और कैसे डिजिटल मशीन से इसके प्रिंट निकलवाने हैं ताकि कम से कम शीटों में आपको 100-200 कार्ड मिल जाएं। तो ये देखिए, इसका सबसे पहले तो विजिटिंग कार्ड का जो साइज़ है वो हम लोग लेंगे, जैसे यहाँ पे इंच रखा है, इंच पे इसका साइज़ जो है विजिटिंग कार्ड का जब भी बनाएंगे वो लेंगे 3.3 इंच इंटू 2.1 इंच, 3.3 इंटू 2.1, इस साइज़ का जो है विजिटिंग कार्ड बनाएंगे ताकि शीट के ऊपर सही लगे। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर लगाने पड़ते हैं हमको मार्कर कटिंग के लिए। तो मार्कर कैसे लगाएंगे आइए हम देखें। मार्कर बनाने के लिए जो है सबसे पहले जो है हम एक काम करेंगे कि इसको जो है यहाँ पे ये इंच में है इसको हम एमएम में कर लेंगे और यहाँ से ये रेक्टेंगल लेंगे। इसको जो रेक्टेंगल को हम ये देखिए कंट्रोल दबा के ऐसे किया तो ये ज़्यादा ज़्यादा हमको 5 mm का लेना है, 5 mm का करीब लेना है। ये 5 mm हो गया। इसकी जो है आउटलाइन इसको जो है हमने 0.5 का कर दिया और उसके बाद जो है इसको हमने जो है यहाँ पे ये पिक टूल लिया, इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। इसके बाद ये लिया हमने जो है शेप टूल, शेप टूल लेके इसका ये कोना और साथ में कंट्रोल दबा के ये कोना, ये और ये, हाँ शिफ्ट दबा के ये कोना और ये कोना दोनों सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने के बाद जो है ये देखें यहाँ पे दिखा रहा है ये ब्रेक कर्व, इसको हमने जो है इस पे हमने क्लिक किया, अब ये ब्रेक कर्व हो गया है। इसके बाद फिर हमने जो है ये पिक टूल लिया, इस पे जो है राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके ये देखिए ब्रेक कर्व अपार्ट आ रहा है, इसको सेलेक्ट किया। अब ये सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा जो है ये देखिए अलग अलग हो गया, ये टुकड़ा अलग हो गया है, ये टुकड़ा अलग हो गया। इसमें से इसको चाहे डिलीट कर देते हैं, ये रखते हैं। और अब हमको जो है ये देखिए इसकी आउटलाइन जो है विजिटिंग कार्ड की आउटलाइन ना आए इसके लिए हम जो है इसको विजिटिंग कार्ड की आउटलाइन हटा देंगे। आउटलाइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले अगर ग्रुप है तो अनग्रुप कर लिया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके हमने ये राइट क्लिक किया ये ऊपर, यहाँ से जब ये राइट क्लिक करेंगे इस पे हम, तो ये देखिए इसकी ये जो है आउटलाइन हट गई। लेकिन इसको हम फिर ग्रुप करेंगे ताकि कुछ हिले ना, इसको हमने फिर ग्रुप कर लिया यहाँ से कंट्रोल जी करके। और अब जो है ये हमने ये जो बनाया हुआ कॉर्नर मार्कर है कटिंग के लिए इसको सेलेक्ट किया, साथ में विजिटिंग कार्ड को सेलेक्ट किया, आर दबाया ताकि ये इसके राइट में चला गया, टी दबाया ताकि ये टॉप में आ गया। अब केवल इसको सेलेक्ट किया, प्लस दबाया, न्यूमेरिकल जो की पैड है इस पर प्लस दबाया और इसको जो है डबल हो गया, इसको इधर ले आए हम, ये यहाँ आ गया। इसको हमने यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज की मिरर से, ये इधर आ गया। अब फिर इसको हमने विजिटिंग कार्ड के साथ सेलेक्ट किया, दोनों को सेलेक्ट करके टॉप तो उसका था ही अलाइन, अब हमने लेफ्ट किया, एल दबाया तो ये लेफ्ट में आ गया। देखिए अब यहाँ से हम इन दोनों को जो है ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल जी किया,
प्लस दबाया, डबल हो गए, इनको हम नीचे ले आए, नीचे ले आए। उसके बाद इसको हमने जो है दोनों को ये यहाँ से मिरर से ही, ये वर्टिकल मिरर से इसको जो है ऊपर की तरफ किया। इसके साथ फिर हमने जो है ये तो सेलेक्ट हैं, इसके साथ ये जो विजिटिंग कार्ड को भी सेलेक्ट किया और बी दबाया, ये इसके बॉटम में लग गए। अब इस पूरे को ये जो मार्कर हैं साथ में विजिटिंग कार्ड, सबको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया, ये ग्रुप हो गया। इसमें एक बात और बताएं दोस्तों कि अगर आप जब ये विजिटिंग कार्ड बनाते हैं तो उससे पहले मतलब विजिटिंग कार्ड बना लें, उसके बाद जो है इसके जितना मैटर है उसको कर्व भी करना है। कंट्रोल क्यू से होता है, कर्व करेंगे, एक को ही पहले कर्व कर लीजिए, ताकि जब इसको ये शीट निकलवाने हम दूसरे कंप्यूटर में उनके जाएं तो वहाँ पे इसके जो फॉन्ट है हिले ना। तो इसको कर्व करना भी ज़रूरी होता है, कर्व कर लें उसके बाद ये सब करें जो मैं कर रहा हूँ। अब देखिए ये मार्कर लग गए, अब हम ये पेज को सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इंच में जाएंगे, क्योंकि हमको शीट का साइज़ बनाना है। इंच में गए और ये पेज सेलेक्ट है, ये साइज़ हम जो है लेंगे समझ लीजिए 13:19, क्योंकि शीट 13:19 होती है, 13:19 हम लेंगे। जैसे ये पेज है ना, इसका हम जो है यहाँ इंच में है ही, तो ऊपर वाला जो है वो हॉरिजेंटली ये ले लें 19, 19.0, और फिर टैब दबाया, उसके बाद 13.0, 13.0, 19:13 हो गया। एंटर दबाएंगे तो ये देखिए पेज जो है 19:13 का बन गया। अब इसको हम जो है ग्रुप तो है ही, इसको हम इधर कॉर्नर में ले आएंगे। ये हमारा पहले से ही कर्व है, और कर्व आप ज़रूर करिएगा बनाने के बाद। इसको जो है साथ में कंट्रोल डी कर लिया, ताकि एक सेपरेट रहे, बाद में कहीं काम आता है, इसको ये कर लिया। अब इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए अरेंज में जाएंगे, एक ये है ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें जाएंगे, ये पोजीशन में गए आल्ट के साथ F7, पोजीशन में गए, और हमारा पहले खुला था तो बंद हो गया, अब ये पोजीशन में गए, ये देखिए इधर ये खुल गया। अब इसको हम जो है ये इधर टिक यहाँ लगाएंगे, इस तरफ हमको विजिटिंग कार्ड बढ़ाने हैं, टिक यहाँ लगाया, और हम जो है इनको एक है अप्लाई टू डुप्लीकेट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए। अब ये पूरी लाइन को हम जो है सेलेक्ट करेंगे, चाहे कंट्रोल जी कर दीजिए, और उसके बाद ये नीचे ये टिक लगाइए, फिर इसको अप्लाई टू डुप्लीकेट करिए, 1, 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 6 आएंगी। तो ये कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, और इधर 6, तो ये हो गए 6×5, 30, 30 हो गए। लेकिन हमको अभी देखने जगह है तो और लगा सकते हैं। ये जो है एक हमने ये अलग किया था, इसको इधर ले आते हैं, इसको ये यहाँ ले आए। इसको लाने के बाद हमने इसको 90 डिग्री पे घुमा दिया, 90.0 करके एंटर किया, ये 90 पे घूम गया। अब इसके साथ हमने ये सेलेक्ट किया, चाहे एक लाइन हो चाहे पूरा हो, इसको सेलेक्ट करिए, टी दबाइए, टॉप पे आया, आर दबाइए, राइट में आ गया। अब इसके राइट में आ गया, अब केवल इसको सेलेक्ट करेंगे विजिटिंग कार्ड को, और हम जो है ये मार्कर ये जो है टिक इधर लगाएंगे पोजीशन में, और ये अप्लाई टू डुप्लीकेट नहीं करना, हमको केवल अप्लाई करना है, ताकि यही चीज़ बाहर आए, इसका डुप्लीकेट ना बने। ये अप्लाई किया, ये बाहर आ गया। अब हम फिर इसको नीचे करेंगे, क्योंकि हमको नीचे की तरफ ले जाने हैं। अब हम ये टिक नीचे लगाएंगे, अप्लाई टू डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि हमको और बढ़ाने हैं, 2, 3, बस। अब इसको विंडो को बंद कर दिया, बंद करके हम इसको देखिए F3 दबाया, फिर जूम दबा के केवल पेज पेज ले लेंगे। अब ये सारे हमारे लग गए हैं। अब इसको जो है हम जो है पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करेंगे, कंट्रोल जी किया, उसके बाद जो है पी दबाएंगे, बटन पी दबाएंगे, तो ये पेज के सेंटर में आ गया। अब ये देखिए पेज हमारा, ये पूरा हमारा मैटर जो है 18.6 है और 12.6, मतलब 19 से 0.4 इंच कम है, और इधर 13 से
0.4 इंच कम है, ये पूरा आपका एकदम बढ़िया निकलेगा, परफेक्ट निकलेगा। अगले जहां आप ले जाएंगे जिस मशीन पे, डिजिटल मशीन पे, वो मेरे ख्याल 15 रुपये या 20 रुपये प्रिंट लेगा और आपका एक शीट निकाल देगा। एक शीट में ये कितने हैं, एक शीट में आप देखिए ये है 33, 1 2 3 4 5, 5 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 5 30, 31 32 33, तो ये 33 लग गए हैं। 3 शीट निकलवाएंगे आपके 99 हो जाएंगे, वही 100 पीस हो जाएंगे और आपका ये जो है एकदम बढ़िया प्रिंट निकल आएगा। कटिंग कर लीजिए चाहे उससे करवा लीजिए। और इसमें ये देखिए मार्कर भी लगे हैं, यहाँ से ये देखिए कटिंग के लिए ये मार्कर लगा है यहाँ पे, ये यहाँ से कटिंग होगी, ये मार्कर लगा। मार्कर का कलर आप बदल सकते हैं जब मार्कर बनाएं ये वाला, तो आप चाहे इसको येलो कर लें या इसको और किसी कलर का कर लें। इधर से ये है, यहाँ से ये है और ऊपर से देखिए ये मार्कर लगा है, ये सब में लगा है। तो मार्कर में आप जो है मार्कर से कटिंग कर लीजिए, चाहे कैंची से कर लीजिए चाहे ब्लेड से। अगर वहाँ करवाएंगे सॉरी, अगर वहाँ करवाएंगे तो वो पैसे लेंगे, और खुद ही कटिंग कर लीजिए। आपके 33 पीस निकल आए, 3 शीट पे आपका 50 रुपये का खर्चा आएगा और आपको जो है ये पूरे फर्स्ट क्लास 100 पीस मिल जाएंगे। इसमें जरूरी है साइज का, विजिटिंग कार्ड का साइज जो है वही 3.3 और 2.1 हो। उसके बाद उसको जो है कंट्रोल क्यू दबा के कर्व भी करिएगा, और उसके बाद ये मार्कर लगाइएगा, फिर पेज बनाइएगा 13-19 का, और उसके बाद जैसे मैंने बताया है वैसे आप जो है इसको पूरा बना लीजिएगा। ये देखिए पूरा ये फर्स्ट क्लास बन गया है। बस इसको ले जाएंगे तो अगले को कुछ नहीं करना पड़ेगा, कर्व भी है, साइज भी सही है, लगा के खटाखट छाप देगा आपका, वहाँ भी 5-10 मिनट में काम हो जाएगा और आप शीट निकलवा के ले आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको ये वीडियो और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे जो नए नए वीडियो बनते हैं वो आप तक पहुँचें। बेल आइकॉन घंटी को ज़रूर दबाइएगा, हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें और आपको हर टाइप की अच्छी नॉलेज मिलती रहे, ताकि आप ज़िंदगी में और तरक्की कर सकें। हमारे चैनल का यही उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद। और हमारे आई बटन है उसको भी दबा के आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी सब तरह की वीडियो है। नमस्कार, जय हिंद।